गुजरात में उछल कूद कर रहे अरविंद केजरीवाल के पांव अब जमीन पर टिक नहीं पाए तो उन्होंने फर्जीवाड़े का अपना पुराना खेल यहां शुरू कर दिया। यह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का पुराना खेल है। असल में सोशल मीडिया पर एक एप्लीकेशन है जिसके सहारे कोई भी पोल कर सकता है और मर्जी से वोट ले सकता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसी एप्लीकेशन के जरिए अपने को सबसे आगे बताने की कोशिश करने लगी। इसका पूरा भांडा ही फूट गया और हालात यह हो गए कि फर्जी पोल के नतीजे को सोशल मीडिया से हटाना पड़ गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के सर्वेक्षण किए और अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दिया। लेकिन यही खेल जब नवसारी विधानसभा सीट में किया तो पोल खुल गई। नवसारी शहर में आम आदमी पार्टी ने स्टॉव पोल नाम के एक ऐप के जरिए एक पोल बनाया और इसका लिंक भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। इस सर्वे का थीम था कि अगर नवसारी विधानसभा सीट पर चुनाव हो तो किस उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। इस ओपिनियन पोल के वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक कुल 638 वोट पड़े। इनमें से 562 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, 66 वोट कांग्रेस को और 10 वोट भाजपा उम्मीदवार को मिले। सर्वे के नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नवसारी विधानसभा सीट पर स्विंग आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और अगर आज चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगा। भाजपा 1990 से लगातार नवसारी सीट पर जीत रही है और हर बार कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहती है। हालांकि जल्द ही आम आदमी पार्टी के सर्वेक्षण पर सवाल उठने लगे और इसके पीछे की सच्चाई सामने आ गई। यह पाया गया कि कई लोगों ने बार बार वोट दिया था जिससे आम आदमी पार्टी के लिए वोटों की संख्या में बढ़ोतरी दिखी। जब इस पोल के तहत वोट करने वालों की संख्या देखी गई तो पता चला कि एक या दो नाम ऐसे थे जिन्होंने एक ही समय में केजरीवाल की पार्टी को कई बार वोट दिया था। इससे आम आदमी पार्टी का प्रतिशत अपने आप बढ़ गया। दरअसल इस ऐप पर पोल बनाते समय यह विकल्प दिया जाता है कि वोट देने वाले लोगों की जानकारी सार्वजनिक की जाए या नहीं। साथ ही एक सेटिंग भी है जहां कोई व्यक्ति केवल एक बार ही वोट कर सकता है। हालांकि इस पोल को बनाते समय दोनों विकल्पों को नहीं चुना गया था। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि कुछ वोटों के बाद भाविन और सावला नाम से बड़ी संख्या में वोट डाले गए। इन दोनों नाम वालों ने 100-100 से अधिक वोट दिए। इसको लेकर जब कुछ यूजर ने सवाल पूछने शुरू कर दिए तब इस पोस्ट को शेयर करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता ने इसे हटा लिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक ही ऐप पर कई सर्वे भी किए। इन सर्वेक्षणों के परिणाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे हैं और इन सर्वेक्षणों को गुजरात का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बताया गया। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले इस तरह के सर्वे आम आदमी पार्टी के लिए नए नहीं है। काफी समय से केजरीवाल की पार्टी फर्जी सर्वे का खेल खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।